नाव आता है और कहता है कि ढेर एक्साइटेड मत होकर, देखी के दूल्हा बेहोश हो जाई बुहो, देखी के दूल्हा बेहोश हो जाई बुहो, हाथ से फेंका जाई थारी सुन राम प्यारी, हाथ से फेंका जाई थारी सुन राम प्यारी, नगवा जसाही फूफू रहने वाला है। तो दोस्त लोग कहती हैं, सखियां कहती हैं कि भाई पहेली मत बुझाओ और क्लियर बोलो कि क्या बात है। बुझनी बुझा जानी नौवा बनारसी नौवा, बुझनी बुझा जानी नौवा बनारसी नौवा, काहे फेंका जाइए थारी सुन राम प्यारी, के स्वरूप का वर्णन है वो कैसे लग रहा है। बिछुअन के कुंडल काने पिन्हले मृग छाला, मैं देह भभूत से पोताई लजी जी, मैं देह भभूत से पोताई लजी, दुल्हा का काम बेसी लागे ले मदारी, गलवा में नागली पटाला जी, गलवा में नागली पटाला जी, भूत बाए ताल बरतिया बरोड़ भांगी के, भूत बाए ताल बरतिया बरोड़ भांगी के, बसहा बाए लावा सवारी सुन राम प्यारी, बातें सुनकर पार्वती जी की माँ मैं ना डिसाइड कर लेती है कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कभी भी होने नहीं दूंगी और कहती है कि गौर सुनर गौरा के बर बकलो लावा, मतलब बौरा, गौर सुनर गौरा के बर बौरा हवा, भोखा त दिले नारद भारी भगवान विष्णु से भी सुंदर है और ऐसा रूप देख के पार्वती जी की माँ बहुत दुखी होती है। जंगली के साथ कैसे करी है गुजारा गौरा, कैसे रही है संग में बेचारी जी, ए जी कैसे के संग बेचारी जी, ऐसना बौरा हबर से गौरा ना बिया हो, ऐसना बौरा गौरा रही है कुंवारी सुन राम प्यारी, भले गौरा रही है कुंवारी सुन राम प्यारी, और पार्वती जी ये सारी बातें सुनकर मंडप के निपास कलश के पास अपना सिर झुका के और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती कि प्रभु अपना निर्गुण निराकार रूप छोड़िए और सगुण सकार और सुंदर रूप धारण कीजिए। हे माई कलश के ओते ओते, मतलब कलश की ओट में, कलश के ओते ओते गौरा विनती करे शिव जी से अरज हमार, तनी सए शिव जी रूप बदली नई हर लोग पतिया, गंगा नहा के और चंदन लगा के और कहते हैं कि सासू जी अब कहाँ हैं, केने गईलू सासू केने।
सामने मैं एक सोहर गाने जा रही हूँ, जिसमें राजा दशरथ और कौशल्या जी आपस में बात कर रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि नाथ, मेरा मन हो रहा है कि मेरे से राम जी का जन्म होता, और पूरा अयोध्या सुंदर गान से गूंज उठता, और मेरा बेटा जब थोड़ा सा बड़ा होता, चलना सीखता, तो नयन भर उसको निहारते, और थोड़ा बड़ा हो जाता तो गुरु वशिष्ठ के पास उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजते, और जब वहाँ से लौटेगा तो उसका विवाह खूब सुंदर और गुणवती स्त्री से करते। और यही सब इच्छाएं वो राजा दशरथ से कहती हैं, और इनका जिक्र इस सोहर में है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। एक ही श्रद्धा हम केला गेला सुनी राजा दशरथ हो राजा रामचंद्र जमित हमरा कोखी हम सुनीते सो चलते हम रांगना नयन भर देखी तीन हो। तीसर श्रद्धा हमरा लागेला सुनी राजा दशरथ हो रामचंद्र जयते गुरुकुल में दक्षिणा हम दिहि तीन हो। राजा रामचंद्र जयते गुरुकुल में दक्षिणा हम दिहि तीन हो। दुल्हिना हम परिछतीन हो राजा रामचंद्र बनीते दुल्हवा दुल्हिना हम परिछतीन हो। दशरथ जी सुनकर कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो कौशल्या, तुमको पता है कि तुम बचपन से ही बांझिन हो। और ये बातें सुनकर कौशल्या जी बहुत दुखी होती हैं। बोलिया तो एक सिला बोले लू बोला ही ना जाने लो हो कोसिला तू तो हो नान्हे के बझिनिया श्रद्धा कैसे पूरी हैं हो। कोसिला तू तो हो नान्हे के बझिनिया श्रद्धा कैसे पूरी। कौशल्या जी अब गंगा जी में डूबने चली जाती हैं दुखी होकर, सोचती हैं कि मेरे जीवन का क्या अर्थ जब मुझे ये सुख मिलेगा ही नहीं। और गंगा जी में जैसे ही डूबने के लिए तैयार होती हैं कि उधर से गंगा जी आती हैं और कहती हैं, चुप रह ए कोसिला चुप रह नए नवालो रवा पूछा हो कोसिला आज से नवरे
अयोध्या के नायक तोहार बालक हो। और कौशल्या जी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि गंगा माँ अगर ये बात सही है तो जाहि दिन आए गंगा मैया राम जमी है राउर घाटे सोना मढ़ब हो। ये गंगा मैया राउर घाटे राम नहावैबो त मुंडन करैबो न हो। गंगा मैया राउर घाटे राम नहावैबो त मुंडन करैबो हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्राय ऐसे ही माताएं सोचती। मैं एक सोहर गाने जा रही हूँ। जन्मोत्सव बिना सोहर का अधूरा रहता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। भादो के रहना भादो के रहना अन्हरिया ता तिथि रहे अष्टमी न हो ललना रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवात कृष्ण जी जन्म ले ले हो। ललना रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवात कृष्ण जी जन्म ले ले हो। ललना रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवात कृष्ण जी जन्म ले ले हो। हो चुका है और देखिए वो कितने सुंदर लगते हैं। उनका स्वरूप देखिए। शीश मुकुट गले हार कुंडल काने शोभे न हो। ललना शंख चक्र गदा पद्म हाथ चतुर भुज रूप ले ले हो। ललना शंख चक्र गदा पद्म हाथ चतुर भुज रूप ले ले हो। ललना शंख चक्र गदा पद्म हाथ चतुर भुज रूप ले ले हो। देवकी मैया डर जाती हैं कि मेरा भाई जैसे ही सुनेगा वो आके तुरंत मेरे बच्चे को लेकर वो मार डालेगा। और भगवान भी सब बातें जान जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आप डरिए मत, अगर आपको डर है तो आप गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ मुझे पहुँचा दीजिए। बाबा हो रउआ बाबा सुनो हो मैया देवकी न हो। बाबा जे रउआ कंस के डरबा यशोदा घरवा पहुँचाव हो। बाबा जे रउआ कंस के डरबा यशोदा घरवा पहुँचाव हो। वसुदेव जी सोचने लगते हैं कि मेरे हाथ में तो जंजीर लगे हुए हैं, पैर में पाकड़ लगे हुए हैं, मैं कैसे जाऊँगा गोकुल। और लेकिन जो प्रभु हमें तीनों तरह के हर तरह के बंधन से मुक्त करता है उनके आगे ये लोहे के जंजीर की क्या औकात। हाथवा के खुली गई ले बंद
हवा के खुली दैले बंधन तपाम के जंजीरियान हो ललना भूल गैले सबरे दुआर पहरुआ सब सोई गैले हो लक्ष्मण जी की बात किए थे राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग संग
कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम तो हमारे यहाँ जो सोहर का धुन है उससे मुझे एक कहानी याद आया कि एक बार भरद्वाज ऋषि जा रहे थे और कहीं बच्चे का जन्म हुआ था तो वो क्या सुन रहे हैं कि ये महिलाएं कितनी क्रिएटिव है, वेद पाठ और सूरदास द्वारा रचित सूर सागर का पाठ कितने सुंदर ढंग में कर रही है। थैंक यू कम तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया श्यामवरण मन मोहन कमलदल लोचना। एक ही तरह के स्वर दोनों में ही है और सूरदास द्वारा रचित उन्होंने हजारों कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो मैं इस सोहर में राग पटदीप और किड़वानी से मिला हुआ मैं वही सोहर प्रस्तुत कर रही हूँ। पढ़े थे सूरदास की रचना और आज मैं सोहर में गा रही हूँ। जमुना जी जिलाकर पानी भी भर के लाना है तो वो कहती हैं कि I'm sorry.
पड़ोसी से पूछती है, सुनो पड़ोसी मैया मोरी हमारे भारतवर्ष में माताओं को माँ, किसी के भी माँ को माँ और अपनी सहेलियों को बहन बोला जाता है। बहुत गोपनीय है, किसी को मत बताओ, नहीं तो यहाँ से गोकुल से मथुरा की दूरी केवल 25 किलोमीटर है और कंस को जैसे ही पता लगेगा वो आ जाएगा। कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, ए ललना कहवा से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल सेंदूर जी, ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल सेंदूर जी, नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, ए ललना ससुरा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल सेंदूर जी, ललना ससुरा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल सेंदूर जी, लावेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, के जे लावेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, ए ललना के जे लावेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल सेंदूर जी, ललना के जे लावेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल सेंदूर जी,
लावेले पियरिया पियरिया लागल झालर जी भैया मोरे लावेले पियरिया पियरिया लागल झालर जी ललना सैया मोरे लावेले सिंहोरवा सिंहोरवा भरल तेंदुर जी ललना सैया मोरे लावेले सिंहोरवा सिंहोरवा भरल तेंदुर जी भेजली पियरिया पियरिया लागल झालर जी अम्मा मोरे भेजली पियरिया पियरिया लागल झालर जी ललना सासू मोरे भेजली सिंहोरवा भरल सेंदूर जी ललना सासू मोरे भेजली सिंहोरवा भरल सेंदूर जी कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा भरल सेंदूर जी ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा भरल सेंदूर जी सिंहोरवा भरल सेंदूर जी सिंहोरवा भरल सेंदूर जी जी को सीता जी की प्राप्ति होती है तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि सीता जी की वजह से ही हमें राम जी मिले हैं और वो कह रहे हैं कि सीता जी के कृपा से पैनी मेहमान है पैनी दामाद है तो इस भजन में यही है और कैसे मिथिलावासी कितने खुश हो जाते हैं इवन देवता लोग भी फूल बरसा रहे हैं आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों दूल्हा सज के आ रहे हैं आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों हो चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया कमाल सखिया हो कमाल सखिया कमाल सखिया हो कमाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया गगन मगन आज मगन धरती आहे गगन मगन आज मगन धरती आहे देखी देखी दूल्हा के सांवरी सुरती आहे देखी देखी दूल्हा के सांवरी सुरती आहे और अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिए कि सखी है बाल वृद्ध नर नारी बालक वृद्ध और नर नारी सखी है बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया सखी है बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा का
और राम जी हमारे खूब सांवले सलोने सुंदर से और सीता जी गोरी सी, ये जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया महान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया महान है, सीता जी के कृपा से पहली दामाद है, सीता जी के कृपा से पहली दामाद है। सखी है लाल चंदन शोभे उनकर भाल सखिया, सखी है लाल चंदन शोभे उनकर भाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, कमाल सखिया हे कमाल सखिया, कमाल सखिया हे कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। और हमारे यहाँ परिछावन की परंपरा है, जब दूल्हा आंगन में आते हैं तो लोढ़ा से परिचते हैं, और जो सासू माँ होती है वो आँख में काजल लगाती है, पान खिलाती है, तो उसका दृश्य है। नैना कजरवा सोभे अलके घुंघराली काली, नैना कजरवा सोभे अलके घुंघराली काली, कनवा में कुंडल सोभे ठोठवा पे पान की लाली, कनवा में कुंडल सोभे ठोठवा पे पान की लाली, सखी हे लीलरा पर सोभे लाल चंदन दुल्हा के, सखी हे लीलरा पर सोभे लाल चंदन दुल्हा के, सखी हे आरती उतारो रघु नंदन चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। तो ब्याह में एक रस्म होता है जिसमें समधी को माड़ो खोलाई कुछ नेक दिया जाता है, और समधी जिद पे अड़ जाते हैं और वो गाय भैंस कुछ भी नहीं लेते हैं, ना खाना भी नहीं खाते हैं, धोती कुर्ता कुछ भी नहीं लेते हैं, और वो क्या मांगते हैं दहेज में ये सुनिए। ए जी आंगना में, ए जी मड़वा में भीड़ भइल भारी, मां
शादी के लिए तैयारी हो रही है और सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जनक जी के आए हुए हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या करेंगे, दूल्हे को कहाँ बिठाएंगे। प्लानिंग में क्या होती है कि क्या खाना बनाएंगे, क्या गिफ्ट देंगे और कहाँ बिठाएंगे, तो यही सब बातें हैं इस भजन में। ए जनक रौरा माड़वा में हीरा जड़ी, बैठो मेरा माँ लक्ष्मण दूल्हा हो, कहाँ बैठो मेरा माँ लक्ष्मण दूल्हा हो, ए जी कहाँ बैठो दशरथ समधी, ए जी कहाँ
नैना जी कहती हैं कि क्या करेंगे कि राम जी को इधर आंगन में बिठा देंगे, फिर सिंदूर दान के बाद कोबर होगा तो आंगन में ही मंडप बनेगा, ये सब ही प्लानिंग हो रही है। अंगना बैठाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो, अंगना बैठाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो। ए जी दुआरा बैठाई वो दशरथ समधि, ए जी दुआरा बैठाई वो दशरथ समधि, खियाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो, काई खियाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो। ए जी काई खियाई वो दशरथ समधि, ए जी काई खियाई वो दशरथ समधि, ए जनक रौर माड़वा खियाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो, मेवा खियाई वो मेरा माँ लक्ष्मण दुल्हा हो। ए जी खोआ खियाई वो दशरथ समधि, ए जी खोआ खियाई वो दशरथ समधि, ए जनक रौर माड़वा में ही आता है कि क्या कैसे उनकी विदाई करेंगे। तो कैसे विदाई करबो राम लक्ष्मण दुल्हा हो, कैसे विदाई करबो राम लक्ष्मण दुल्हा हो। ए जी कैसे विदाई दशरथ समधि, जी कैसे विदाई दशरथ समधि, ये जाना करौ रामड़ा में ही राजड़ी, जाना करौ रामड़ा में ही राजड़ी। सीता उर्मी देबो राम लक्ष्मण दुल्हा हो, सीता उर्मिला देबो राम लक्ष्मण दुल्हा हो। ए जी अनधना देबो दशरथ समधि, ए जी अनधना देबो दशरथ समधि, हीरा जड़ी हीरा लाल जड़ी।
बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़े कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजे आनंद बाजा। मन में सुनना माई के बाजे आनंद बाजा। शोर भैले सगरी महालिया बड़ा लुभावन लागे। शोर भैले सगरी महालिया बड़ा लुभावन लागे। सीता के चढ़े भगिया। धानी रे नगरिया के उमाड़ल भगिया। लगली सुनरसिया के समर सोहगिया। लगली सुनरी सीता के अमर सोहगिया। चौका पूरा बल अगाना बड़ा पावन लागे। सीता के चढ़े के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। आँख के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। धरती दर की जई है गिरी है बिजुरिया। धरती दर की जई है गिरी है बिजुरिया। आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया।
चौका पूरा